गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज एस्टीमेट की क्लास में हम लोग कुछ थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे। एस्टीमेट्स में देखिए क्या है कि कुछ थ्योरी के भी पोर्शन आपके सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं, तो जनरल से है, कोई बहुत बड़ा टफ थ्योरी नहीं है इसमें। तो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ही आपकी थ्योरी है टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। टाइप्स ऑफ एस्टीमेट ये चैप्टर का नेम है। देखिए कोई भी इसमें आपका पहले एस्टीमेट का इंट्रोडक्शन कराते हैं। इंट्रोडक्शन करते हैं एस्टीमेट का, तो इसमें क्या आता है, जैसे किसी भी इसका इंट्रोडक्शन क्या आएगा, एस्टीमेट का परिचय क्या है, किसी भी निर्माण कार्य को कराए जाने से पूर्व उस पर होने वाले व्यय की क्या करना, आकलन करना या फिर कैलकुलेशन करना या अनुमान लगाना ही क्या कहलाता है, एस्टीमेट कहलाता है। एस्टीमेट का हिंदी जो शब्द होता है वो होता है प्राक्कलन, ठीक है। अब यह एस्टीमेट जो हम लोग बनाते हैं या प्राक्कलन करते हैं या अनुमान लगाते हैं, ये अनुमान हम लोग कुछ जो आइटम्स यानी जो भी वर्ग किए जाते हैं उनकी मात्रा की क्वांटिटी यानी मात्रा या क्वांटिटी को कैलकुलेशन करके ही किया जा सकता है। जैसे हमारा फाउंडेशन वर्क हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियोस में आपने क्वेश्चन किया है, तो वो आवश्यक मद कहलाते हैं, आइटम्स जो हमने लिखते हैं, जैसे आपका मिट्टी का वर्क हो गया, फाउंडेशन में कंक्रीट का वर्क हो गया, फुटिंग का वर्क हो गया, प्लास्टरिंग हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, मद कहलाते हैं। तो हर एक मद यानी आइटम का कैलकुलेशन करेंगे, क्वांटिटी निकालते हैं, उसके बाद उचित रेट से मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं हम लोग, कॉस्टिंग करते हैं फिर, और पूरा प्रोजेक्ट का व्यय निकालते हैं यानी खर्च निकालते हैं कि प्रोजेक्ट को बनाने में कितना हमारा खर्च आएगा। देश के विकास के लिए अभियंताओं द्वारा अनेक निर्माण परियोजनाएं बनाई जाती हैं, जिसके लिए प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त की जाती हैं। प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत प्रोजेक्ट का प्रसार क्षेत्र, उपयोगिता आदि की पूर्ण रूपरेखा तैयार कर संबंधित स्वीकृति ली जाती है। तकनीकी स्वीकृति में देखिए क्या क्या देखा जाता है, टेक्निकल जब परमिशन मिलता है आपको तो उसमें ड्राइंग को देखा जाता है, विशिष्टियां यानी स्पेसिफिकेशन देखे जाते हैं, कैलकुलेशन, प्राकलन, इन सब की दरों को या इन सब के क्वांटिटी को देखा जाता है, तब जाकर के परमिशन मिलता है। वित्तीय स्वीकृति के अंतर्गत सरकार द्वारा विभाग को किस प्रकार एवं कैसे वित्तीय सहायता दी जाए इसका विवरण होता है। अब टेक्निकल परमिशन लेने से पूर्व प्रोजेक्ट में बनी ड्राइंग का प्राकलन तैयार किया जाता है, ठीक है। तत्पश्चात यह प्राकलन विभागों में प्राधिकृत अभियंता अधिकारियों द्वारा बनाया जाता है। यह प्राकलन सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर जो अवर अभियंता के समकक्ष या अवर अभियंता होते हैं के द्वारा तैयार किया जाता है। इस पर सहायक अभियंता द्वारा स्वीकृति की मोहर लगा दी जाती है। इसलिए डिप्लोमा स्तर पर हमारा आकलन एवं प्राकलन बोले तो कॉस्टिंग एंड एस्टीमेटिंग की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए जब हम लोग एस्टीमेशन तभी कर पाएंगे जब हमें ड्राइंग का पूर्णतः नॉलेज हो, क्योंकि इसमें हमें ड्राइंग सिर्फ पढ़ करके ही पूरी एस्टीमेटिंग कर एस्टीमेट करना होता है। देखे होंगे अभी हम फाउंडेशन का और प्लान का ड्राइंग बनाते थे, बना हुआ मिलता था, उसी से एस्टीमेट बनाते थे, कोई साइड पे हमें नहीं जाना है, तो सब चीज़ मतलब बिना बने, क्योंकि साइड पर जाएंगे तो वहाँ कुछ मिलेगा थोड़ी नहीं, वहाँ बना तो है नहीं, तो हमें ड्राइंग से ही अपना एस्टीमेट तैयार करना है। तो ड्राइंग जब तक आपको अच्छे से पढ़ने नहीं आएगा, ड्राइंग के हर मेजरमेंट को करने पढ़ने नहीं आएगा, तब तक आपको एस्टीमेट बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला। इसलिए पहले देखे होंगे आप लोग सेकेंड ईयर में या फिफ्थ सेमेस्टर में ड्राइंग को पढ़ाया जाता है कि ड्राइंग आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, उसके बाद तो एस्टीमेट आपको आना आएगा।
तो ये एक आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं कि जिसे इस्टीमेट करना हो या जिसे इस्टीमेटर बनना हो, उसे सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं या जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं पूरे के पूरे आने चाहिए। देखो बात क्या होती है, इस्टीमेट में अगर हाईवे का इस्टीमेट बनाना है तो हाईवे के इस्टीमेट्स में आपको सर्वे भी आना चाहिए, क्योंकि सर्वे करके आपको इस्टीमेटर अपना ऑफिस में बैठा रहता है, सर्वे की टीम जाएगी सर्वे करके लाके आपको सर्वे की रिपोर्ट दे देगी। अगर आप सर्वे का डाटा जो है आपको पढ़ने आता होगा तभी तो आप इस्टीमेट बना पाओगे। अब उसके बाद बिल्डिंग्स में, बिल्डिंग्स की ड्राइंग प्लानिंग ये सब पढ़ने आएगा तब आप बिल्डिंग का इस्टीमेट बना पाओगे। ब्रिज का बनाना होगा, ब्रिज की ड्राइंग पढ़ने, ये तो सब ड्राइंग में आ जाएगा ब्रिज, ठीक है। उसके बाद आरसीसी, आरसीसी की डिजाइनिंग करनी है तो डिजाइनिंग में आपको डिजाइनिंग भी आनी चाहिए, डिजाइनिंग की ड्राइंग पढ़ने आनी चाहिए, तब आप क्या करोगे आरसीसी का स्लैब का ये सब का ड्राइंग बना पाओगे। यानी एक इस्टीमेटर को हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विदाउट इस्टीमेट मतलब विदाउट किसी नॉलेज के आपको इस्टीमेट बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हमें एस्टीमेट का सब्जेक्ट जो है लास्ट में पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम लोग हमें ये मतलब एश्योर कर दिया जाता है कि जितने भी सब्जेक्ट हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं अब एस्टीमेट के लिए काफ़ी हैं और एस्टीमेट में इन सब की ज़रूरत लग जाती है, लग जाएगी अभी। चलिए तो ये बोला है कि आकलन करते समय यानी कैलकुलेशन करते समय या एस्टीमेट बनाते समय ड्राइंग का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ भवन निर्माण अथवा सिविल निर्माण की जानकारी तथा आयतन, त्रिभुज, वर्ग एवं वृत्त के बारे में समस्त जानकारी होना आवश्यक है। फुल मैथमेटिक्स भी आना चाहिए। पीडब्ल्यूडी इरिगेशन, जल निगम, हाउस बोर्ड एवं विकास प्राधिकरण में जेई टेक्निकल के द्वारा, रेलवे विभाग में इस्टीमेटर द्वारा, जबकि MES विभाग में सर्वेयर ऑफ वर्क्स द्वारा आकलन तैयार किया जाता है। देखिए PWD इरिगेशन, जल निगम, हाउस बोर्ड एवं विकास प्राधिकरण में JTO की भर्ती होती है, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, JE टेक्निकल, ये आपका क्या करते हैं इस्टीमेट बनाते हैं। रेलवे विभाग में डायरेक्ट इस्टीमेटर के नाम से आपका पोस्ट आती है। और MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, इसमें आपका सर्वेयर ऑफ वर्क्स के नाम से एक पोस्ट होती है, उसके उस टीम द्वारा इस्टीमेट बनाया जाता है। तो इस्टीमेटर की हर जगह पोस्ट आती है, हर नेम चेंज होते हैं, डेजिग्नेशन चेंज होता है। बस मदों की मात्राएं ज्ञात करने के पश्चात PWD द्वारा प्रांतीय केंद्रीय स्तर पर मदों की दी गई दर जो एक किताब के रूप में प्रतिवर्ष सितंबर माह में शेड्यूल ऑफ रेट के नाम से प्रकाशित की जाती है से मात्राओं की गुणा करके आगरण की कीमत तैयार की जाती है। देखिए जैसे आपका इस्टीमेट बनाना है तो आपने क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिया, आपने क्वांटिटी कैलकुलेट किया, अब आपको क्या निकालना होगा, कॉस्टिंग निकालना होगा। तो कॉस्टिंग के लिए किसकी रिक्वायर्ड होगी, रिक्वायर्ड होगा रेट का, रेट रिक्वायर्ड होगा। तो रेट रिक्वायर्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेट रिक्वायर्ड होगा तो रेट के लिए हमारे पास PWD, ये आपका हर मंथ सितंबर मंथ में एक SOR निकालता है, इसका फुल फॉर्म होता है SHEDULE, शेड्यूल ऑफ रेट। हर एक मद का, हर एक मटेरियल का रेट निकाला जाता है उसमें, हर प्रति ईयर निकाला जाता है, हर साल सितंबर माह में ये चेंज भी होते हैं कुछ न कुछ, ठीक है। तो उस शेड्यूल ऑफ रेट से हर एक मद का मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्टिंग निकालते हैं। एक आता है CPWD, CPWD संस्था जो होती है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट देखती है, इसे सेंट्रल देखता है, केंद्र सरकार देखती है। तो CPWD में जैसे आपका PWD में, इस CPWD में क्या क्या आता है, नेशनल हाईवेज, और इसमें क्या आते हैं स्टेट हाईवे,
स्टेट हाईवे, इसमें आते हैं नेशनल हाईवे NBCC नेशनल बिल्डिंग कॉरपोरेशन। तो जितने भी आपकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाली होती है इनके लिए आता है DSR, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट होता है ना, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट, ये इसका DSR निकलता है सेंट्रल वर्क के लिए, और PWD जो अपने निकालती है शेड्यूल ऑफ रेट, ये सब जगह हर विभाग के लिए मान्य होता है, चाहे इरीगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे जल निगम हो, चाहे फिर आपका विकास प्राधिकरण हो, चाहे PWD का हो, तो वहाँ पे शेड्यूल ऑफ रेट हर जगह मान्य होगा स्टेट में, सेंट्रल वाला यहाँ से चलेगा। तो यहाँ से हम लोग कास्टिंग करते हैं, उसके बाद है आगणन की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ एन एस्टीमेट, एस्टीमेट की देखिए जरूरत क्यों पड़ी, हेडिंग है नेसेसिटी ऑफ नेसेसिटी ऑफ एस्टीमेट, आगणन की आवश्यकता यानी प्राकलन की आवश्यकता। देखिए सिविल इंजीनियरिंग संबंधी किसी एवं अन्य निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उस पर होने वाले व्यय यानी खर्च तथा उपयोग में आने वाली सामग्री का पूर्व अनुमान होना आवश्यक होता है। ठीक है, अगर हमें जो कार्य होना है उस कार्य की क्या कहते हैं उसमें जो होने वाले मटेरियल की क्वांटिटी मिल जाए तो हम उसी हिसाब से अपना बजट बनाएंगे, और फिर हमारा पूरा अगर बजट निकल के आता है कि इतना पूरा एस्टीमेट निकल कर इतना पैसा लगेगा, कॉस्टिंग इतनी लगेगी, तो उसी हिसाब से आदमी अपना बजट बनाएगा, और ये पता उसको पहले से रहेगा कि एक अनुमान रहेगा मोटी मोटा कि हमारा इतना इस बिल्डिंग पर खर्च होना है या इस प्रोजेक्ट पर इतना खर्च होना है, ताकि उसके अनुसार धन की व्यवस्था की जा सके। इसलिए सामग्रियों व श्रमिकों का पूर्व अनुमान लगाने के लिए एस्टीमेट बनाना आवश्यक है। उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य में लगने वाले समय का भी पूर्व अनुमान लगाया जाता है ताकि समय के अंतर्गत कार्य को पूर्ण कराया जा सके, जिससे कि जो लेबर मजदूर इन सब का खर्च है वो भी सब कम से कम लगे। सभी निर्माण कार्य अधिकतर ठेके पर कराए जाते हैं, ठेके पर देने के लिए टेंडर निकाले जाते हैं, तो टेंडर निकाला जाएगा तो उसका भी तो उसके लिए भी तो एस्टीमेट जरूरी है कि भाई इतना टेंडर निकला कि इतने लाख रुपये का ये प्रोजेक्ट है, तो जितने कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो टेंडर अपना फिलअप करते हैं कि इस काम को मैं इतने परसेंट में कम रेट में करा दूंगा, कुछ डालते हैं कि मैं ये और भी कम में करा दूंगा, तो जिन्हें टेंडर मिलता है उनको जिस रेट पे वो बोले होते हैं कराने के लिए उसी रेट पर उन्हें काम को मिल जाता है, काम करना होता है। देखिए प्राकलन के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों पर होने वाले व्यय तथा सामग्रियों की मात्रा व श्रमिकों की संख्या का पूर्व अनुमान नक्शा देखकर कैलकुलेशन व कंप्यूटेशन की मदद से लगाया जाता है कि हमारे सामग्री की मात्रा कितनी आएगी और श्रमिकों की संख्या कितना होगा, जिनको वर्तमान दरों से गुणा करके अनुमानित लागत का पता लगाया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त की गई लागत एवं एक पूर्व अनुमान या अंदाजा है जिसको सही सही तथा बड़ी शुद्धता से लगाया जाना चाहिए। पूर्व अनुमान में निर्माण सामग्री की लागत, ढुलाई व्यय, श्रमिक मजदूरी, औजार मशीनों का किराया, सुपरविजर का चार्ज आदि सभी संभावित व्यय जोड़े जाते हैं। यह वास्तविक निर्माण लागत का केवल पूर्ण अनुमान कराता है परंतु निर्माण की वास्तविक लागत नहीं बता पाता। भाई देखिए वास्तविक लागत आपका पूरा प्रोजेक्ट बनने के बाद ही पता चलेगा, जिसे एक्चुअल कॉस्टिंग बोलेंगे। ये आपका क्या है, पूर्व अनुमानित व्यय है, व्यय यानी प्राकलन है या फिर जो भी प्रोजेक्ट का खर्च है। इसमें जैसे आपका आपने ये बनाया कि हमारा जो एक दीवाल है, इस दीवाल को बनाने के लिए दो मजदूर लगेंगे या दो मिस्त्री लगेंगे और एक दिन में हमारा बन जाएगा, किसी कारणवश नहीं बन पाया, दो दिन लग गया, तो दो दिन लगा तो उसका अननेसेसरी चार्ज बढ़ गया। ठीक, तो ऐसे कई वर्क हैं जो समय से न होने पाने पर या फिर नंबर ऑफ मजदूर बढ़ जाने पर या समय बढ़ जाने पर उस प्रोजेक्ट उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। ठीक है,
कुछ अन्य खर्च भी हो जाते हैं, मतलब होता है कि यही मशीन इतनी मशीनरी में हमारा काम हो जाएगा, लेकिन मशीनरी 5 दिन की बजाय 6 दिन 7 दिन का काम करना पड़ेगा मशीनरी से, तो मशीनरी का रेंट भाड़ा भी लग जाएगा ज़्यादा। और उसके बाद हम लोग अधिक ये है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज जोड़ लिया कि आपका जो मटेरियल है, एग्रीगेट हो गया, सीमेंट हो गया, जो भी है, इसको हमें 10 किलोमीटर के दायरे में हमको मिल जाएगा, वहाँ से हम इसको ले लेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को 10 किलोमीटर का उसमें ऐड किया गया। लेकिन वहाँ सब मिला नहीं आपको, तो आपको जाना पड़ा 50 किलोमीटर दूर, आपका मटेरियल 50 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ गया, मटेरियल का हो सकता है रेट बढ़ जाए घट जाए, आपका टेंडर निकला 6 महीने पहले, आप काम लगा रहे हो 6 7 8 महीने बाद, तो हो सकता है उसमें रेट का कुछ घटे बढ़े हो जाए, ठीक है, तो ये आपका इस फर्क पड़ता है। तो एक्चुअल कॉस्ट जो है पूरी बिल्डिंग को बनने के बाद ही पता लगाया जा सकता है, लेकिन ये जो हम लोग लगाते हैं ये एक अनुमानित लागत होती है। देखिए, एक अच्छा जो एस्टिमेटर होता है उसको कोई भी प्रोजेक्ट का प्राक्कलन बहुत ही एकदम कड़ा, मतलब टाइट और अधिक ढीला नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे कि पूरा एकदम एक्यूरेट जो रेट है वो रेट टू रेट एकदम रख के बनाया, कम से कम रेट रख के बनाया, या फिर एकदम ढीला कर दिया और भी रेट ज़्यादा बढ़ा बढ़ा के लगा दिया, तो दोनों स्थिति में देखो परिस्थितियाँ सही नहीं होती हैं। जैसे एक इस्टीमेटर हो गया, 10 लाख का प्रोजेक्ट था, उसे उसने थोड़ा रेट बढ़ा बढ़ा के सब चीज़ बना दिया, और उसका पहुंच गया रेट 14 से 15 लाख रुपए। अब 14 से 15 लाख का प्रोजेक्ट बन गया, अब टेंडर निकला 15 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए तो अननेसेसरी जा रहा है ना पैसा, तो उसके यहाँ फिर दोबारा कौन जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात, जब वो लूज और क्या कहता है टाइट करता है, यानी रेट कम कम करके बनाता है या कुछ कैलकुलेशन कम कर देता है, तो क्या होता है जब टेंडर निकलता है तो भाई जितना रेट निकला होगा उतने पे ही आदमी वो क्या करेगा, ट्रस्ट करेगा कि हाँ इतने का ही काम है, उससे भी आपने उसमें क्या किया, टेंडर निकला और कॉन्ट्रैक्टर ले लिए, अब कॉन्ट्रैक्टर ले लिया 10 लाख काम को, अपना 7 लाख में, 7 लाख का प्रोजेक्ट बना है, 7 लाख का एस्टीमेट बना है और काम है 10 लाख का, अब कॉन्ट्रैक्टर लेगा तो हो सकता है 7 लाख में मिले या उसको और बिलो डालने पर 6 लाख में मिले, अब 10 लाख का काम को 6 लाख में कराना है, उसी में उसको अपना पैसा भी बचाना है, यानी टोटल वो काम बचा 5 लाख रुपए का, तो किसको नुकसान होगा, कॉन्ट्रैक्टर को ही नुकसान होगा ना, कि आप वो 6 लाख रुपए में काम लिया 10 लाख के काम को, ठीक, तो 4 लाख का तो वैसे ही वही ऊपर से नुकसान हो गया। तो अब उसके बाद जब ये अपना फिर उसके बाद क्या करता है, कुछ कहीं किसी के जो उस एस्टिमेटर होता है उसके पास थोड़ी कोई जाएगा फिर बनाने के लिए, तो उसका खुद का व्यवसाय अपना क्या होता है कि खतरे में आ जाएगा, तो इसलिए क्वांटिटी निकालना और आपका रेट का सही सही पता लगाना ये बहुत ही ज़रूरी है। अब आता है ऑब्जेक्ट ऑफ एन एस्टिमेट। ऑब्जेक्ट ऑफ एन एस्टिमेट पहला है आपका लागत, उद्देश्य क्या क्या हमारे एस्टिमेट करने का, तो देखो पहला हमें लागत पता चल जाती है, पहला हमें क्या होता है पूरे हमारे प्रोजेक्ट की लागत कितना खर्च होने वाला है, आय व्यय ये सब पता चल जाता है, पूर्व अनुमान लगा लिया जाता है कि इतना हमारा इस प्रोजेक्ट पे खर्च आने वाला है। दूसरा हमारा पता लग जाता है सामग्री मटेरियल कितना लगेंगे, वह मजदूर या श्रमिक या मिस्त्री जो भी है उनकी क्वांटिटी निकल जाती है, इनका पैसा निकल जाता है कितना कितना लगेगा, वह टाइम का भी, वह समय कि पूरे प्रोजेक्ट को करने में कितना समय लगेगा, ये पता चल गया। थर्ड नंबर में आपका आता है धन की व्यवस्था, धन की व्यवस्था भाई, निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व हमें पैसा भी चाहिए, अब कितना पैसा वो इकट्ठा करना है, तो ये आपको अगर कुछ मालूम आइडिया रहेगा तो उसी हिसाब से पैसा आदमी इकट्ठा करेगा, तो धन की व्यवस्था क्या हो जाएगी,
ये भी आप आदमी कर लेगा, जितना हमारा निर्माण कार्य का प्रोजेक्ट का लागत लगा लगेगा उतने को धन की व्यवस्था कर लेगा। स्पेसिफिकेशन यानी विशिष्टियाँ, प्रस्तावित परियोजना को निर्माण के समय एस्टीमेट में दी गई स्पेसिफिकेशन के अनुरूप निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखना, यानी एस्टीमेट में जो जो चीज़ें बताया गया है कितना मटेरियल इसमें लगेगा, इतना मटेरियल इसमें लगेगा, उस हिसाब से जब एक्चुअल में वो बनने लगेगा तो उस चीज़ों को ध्यान में रखना, ये हमारा स्पेसिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका कार्य की प्रगति। कार्य की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ वर्क, जितना देखिए हमारा ये पता चलता है कि हाँ इतने समय में ये वाला कार्य होगा, यानी फाउंडेशन का वर्क जो है 6 दिन में कंप्लीट होना है, 6 दिन में, तो हमें ये अपना एक समय बाउंड बना के रखना है कि हाँ 6 दिन में हमारा फाउंडेशन का वर्क पूरा हो जाना चाहिए। तो उसी हिसाब से हमें क्या करना, समयबद्ध होकर काम कराना है। तो अगर इस हिसाब से चलेगा तो इसे हम लोगों के वर्क प्रोग्रेस क्या है, वेल, सही चल रहा है। तो आपकी कॉस्टिंग जो इतना निकाला गया वास्तविक कॉस्टिंग से लगभग मैच करेगा। फिर छठा नंबर है टेंडरिंग। टेंडरिंग मतलब होता है निविदा, पेपर में पढ़े होंगे निविदा निकलती है। जब एस्टीमेट जब तक नहीं बना होगा किसी भी प्रोजेक्ट का टेंडर आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो टेंडर निकालने के लिए निविदा के हमारे पास सॉरी टेंडर निकालने के लिए एस्टीमेट का होना बहुत जरूरी है। तो एस्टीमेट कराना जरूरी हो जाता है, या एस्टीमेट का वहाँ पे हमारे पास बहुत ही जरूरी हो जाता है टेंडर निकालने के लिए। अब आता है भुगतान का प्रकार, भुगतान का आधार या तो इसमें क्या होता है, ओवर पेमेंट, यानी अब ज़्यादा पैसा देने से हम लोग बच सकते हैं। जैसे इसमें एस्टीमेट बना होगा तो उसका एस्टीमेट का हम लोग के पास क्वांटिटी निकल के आएगी, किस क्वांटिटी का कितना पैसा होना है किस वर्क का, तो उसी हिसाब से हम लोग पार्ट पेमेंट करते हैं एस्टीमेट के अनुसार। जितना हमारा वर्क हो गया उतने वर्क का पेमेंट हम लोग जेई या फिर सरकारी विभाग से होता रहता है, ये नहीं कि काम नहीं हुआ उसका भी पेमेंट हो जाए। तो इसीलिए ओवर पेमेंट, ज़्यादा पेमेंट से बचने के लिए पार्ट पेमेंट करने के लिए एस्टीमेट की जरूरत हो जाती है। अब आता है, अच्छा इसका नंबर डाल दें, 7वां नंबर भुगतान का आधार। 8वां नंबर है मूल्यांकन। देखिए जब हमें कोई अपने उस पे प्रोजेक्ट पे लोन लेना होता है तो उस प्रोजेक्ट के लोन के लिए हमें एस्टीमेट की जरूरत होती है, क्योंकि वो हमें क्या करते हैं, उस समय हमारे संपत्ति को क्या कहें, बंधक बना के रखते हैं। तो जितने की हमारी संपत्ति होती है उसी के हिसाब से हमारा लोन पास होता है। तो वहाँ उस भवन का जो लागत पता चलेगा वो एस्टीमेट से ही पता चलेगा, तो इसलिए वो भवन का मूल्यांकन कराया जाता है। इसके अतिरिक्त कर का टैक्स का निर्धारण करना, किराया निर्धारण करना या क्रय विक्रय करना, भवन के मूल्यांकन कराया जाता है कि अगर इस घर को बेचना है या इस प्रोजेक्ट को बेचना है हमारे बिल्डिंग को तो इसका अभी का रेट क्या है, तो इसके लिए एस्टीमेट करने जरूरी होती है। अब उसके बाद हमें जब परमिशन लेना होता है तो परमिशन लेने के लिए भी एस्टीमेट की हमारे पास जरूरी होती है। तो ये लिखते हैं वित्तीय, पैसा पास कराने के लिए, फिर प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, उसके बाद टेक्निकल यानी तकनीकी डिपार्टमेंट से हमें परमिशन लेने के लिए, एस्टीमेट की जरूरत पड़ती है। उसी एस्टीमेट के बिहाफ पे ही हमें परमिशन मिलती है। तो इन सब के लिए देखिए हमारा क्या, एस्टीमेट की जरूरत होती है। तो हमारे एस्टीमेट बनाने का उद्देश्य क्या होता है, इन्हीं नौ काम के लिए होते हैं, ठीक। इन नौ काम को पूरा कराने के लिए या पता करने के लिए हम लोग एस्टीमेट बनाते हैं, और एस्टीमेट का हमारे उद्देश्य भी यही होता है। अब एक नेक्स्ट हेडिंग आती है एक्चुअल कॉस्ट।
वास्तविक वास्तविक लागत एक्चुअल कॉस्ट जो होती है, ये हमारा पूरा बिल्डिंग या पूरा प्रोजेक्ट जब एकदम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो जाता है, बन जाता है, तो डे बाय डे हम लोग जब मेजरमेंट बुक में, हम लोग एमबी में, एमबी बोलते हैं मेजरमेंट बुक को, पूरा डे टू डे पूरा हिसाब किताब लिखते हैं या पूरा पैसा लिखते हैं, तो उसके बाद लास्ट में जितना पैसा हमारा पूरा खर्च होता है उस प्रोजेक्ट पर, उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल कॉस्ट बोलते हैं। तो इसको डेफिनेशन लिखिएगा, किसी परियोजना की वास्तविक लागत केवल निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर ही ज्ञात की जाती है या ज्ञात हो पाती है। प्राक्कलन द्वारा परियोजना की जो लागत ज्ञात होती है, यह संभावित व अनुमानित लागत रहती है। निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद हुए कुल खर्चे भवन की वास्तविक कीमत कहलाती है। निर्माण काल में कार्य प्रतिदिन होने वाले समस्त व्यय का हिसाब लेखा विभाग में रखा जाता है और कार्य पूर्ण हो जाने पर इन सभी का योग किया जाता है, जो परियोजना की वास्तविक लागत मानी जाती है। निर्माण काल में निर्माण सामग्री व श्रमिकों की दरों में किन्हीं कारणों से आए परिवर्तन के कारण परियोजना की वास्तविक लागत प्राकृत लागत से भिन्न हो सकती है। देखिए, हमारा क्या होता है, एस्टिमेट वैल्यू और यहाँ पे है एक्चुअल कॉस्ट। ये दोनों भाई, आपका एस्टिमेट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। एस्टिमेट वैल्यू क्या होती है, जो हम लोग पूर्व अनुमान लगाते हैं, है ना, ये आपकी वास्तविक है बनने के बाद, प्रोजेक्ट के बनने के बाद जो निकल के आती है। तो एक्चुअल कॉस्ट इससे डिफरेंट भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि जो हमने पूरा अनुमान लगा एग्जैक्ट उतना ही पैसा लगे। कुछ दरों में बढ़ने की वजह से कारण, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ने के कारण, श्रमिक मजदूर बढ़ जाने के कारण, श्रमिकों का रेट बढ़ जाने के कारण, ठीक, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बढ़ जाने के कारण, ये तमाम चीज़ें हैं जिससे कि एक्चुअल कॉस्ट हमारी कुछ बढ़ जाती है। घटने का तो चांस बहुत कम ही होता है, 100 में बहुत करेगा 0.1%, 0.2%, घटता नहीं है कभी, ठीक। तो एस्टिमेट वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट से क्या हो जाती है, भिन्न हो सकती है, प्रायः बढ़ जाती है, ठीक। हमने बताया ना कि 100% में से 0.12% के घटने का चांस होता है, नहीं तो बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन यह कि बढ़ना भी चाहिए, तो एक आपका क्या है, एक वैल्यू तक बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा घट जाए, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर इस्टीमेटर पे पूरा ब्लेम आएगा। अब जैसा इस्टीमेटर होगा, जैसा इस्टीमेटर का अनुभव होगा, जैसा उसका कार्य करने की प्रणाली शैली होगी, उसी हिसाब का इस्टीमेट बनेगा। अब उसी के ऊपर डिपेंड होगा कि इस्टीमेट कितना एक्यूरेट बनाया गया है। अब आता है निर्माण लागत को प्रभावित करने वाले का फैक्टर। हेडिंग है निर्माण लागत को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कॉस्ट ऑफ वर्क, निर्माण लागत को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, इसमें कई फैक्टर हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट है मटेरियल। मटेरियल भी इफेक्ट कर सकता है, किसी भी निर्माण परियोजना की लागत बहुत कुछ निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री पर आधारित होती है, क्योंकि निर्माण सामग्री पर आने वाली लागत परियोजना राशि का लगभग 65 से 70% तक खर्च होता है। अब क्वालिटी के आधार पर सामग्री की जो दरें होती हैं, रेट्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं या विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो हमें इस्टीमेट में जिस प्रकार का रेट लिखा लिखा हुआ है, अगर हम उस रेट से अगर कुछ एक अच्छे क्वालिटी का अगर हमने
मटेरियल यूज़ कर लिया तो हमारे लागत को क्या हो सकता है, लागत इफेक्ट हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। भाई हमारे पास मटेरियल जो होते हैं अवेलेबल है मार्केट में, वो फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी के यूज़ होते हैं भैया, मिल जाते हैं। तो हमें कौन से प्रकार का मटेरियल यूज़ करना है अगर रेट के हिसाब से या फिर क्वालिटी के हिसाब से, तो वो हमारे सीधे हमारी लागत को अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन या कार्टेज, ढुलाई ना, इसको कार्टेज बोलते हैं। निर्माण स्थल की स्थिति और निर्माण सामग्री की उपलब्धता स्थल परियोजना व्यय को बहुत प्रभावित करती है। यदि निर्माण सामग्री दूर से लानी पड़ती है तो ढुलाई का अतिरिक्त व्यय भी परियोजना पर आता है, जिससे परियोजना की लागत बढ़ जाती है। हमने आपको बताया ना कि अब हमारा मटेरियल हमारा अगर पहले 10 किलोमीटर के रेंज से आ रहा है, लेकिन अब कुछ दिक्कतों की वजह से अब उसे 50 किलोमीटर दूर से लेना पड़ रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हमारा बढ़ सकता है, तो ये हमारे लागत को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। थर्ड नंबर आता है टूल्स एंड प्लांट्स बोलेंगे, औजार और मशीनें। ये भी देखो बताया गया अभी औजार मशीनें, आप अगर रेंट पर लेकर आए हो मशीनों को, औजार को, तो अगर आपका कार्य थोड़ा लंबा खिंच जाता है, थोड़े दिन अधिक चलता है, तो मशीनों का, औजारों का पर डे का जो रेंट है वो बढ़ेगा, जिससे हमारी लागत भी बढ़ने लगेगी। सभी बड़े निर्माण कार्यों पर यंत्र मशीनों के कुशल प्रयोग से जहां निर्माण कार्य की प्रगति व गुणवत्ता में सुधार होता है, वहां हस्त श्रमिकों पर किए जाने व्यय में भी कमी आती है, इससे परियोजना की लागत प्रभावित होती है। अच्छा, ये भी है कि जहां पे मजदूरों से काम कराना है, उससे वहां पे अगर मशीनों से काम कराया जाए मजदूरों के बजाय, तो भी लागत में कुछ अंतर आता है ना। अगर हमें जैसे इम्प्रूव कराने के लिए, जैसे अगर फाउंडेशन खुदवाना है, अगर मजदूर से खुदवाते हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है। अगर लेकिन वही मशीनों से कराते हैं तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है और पैसा जो है लगभग उसी के हिसाब में आएगा, या फिर कुछ घट बढ़ जाएगा, जो भी है लागत को ये भी डायरेक्ट अफेक्ट करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, श्रमिक बोले तो लेबर। निर्माण कार्य की लागत का 30-35% तक श्रमिकों पर व्यय किया जाता है। 1,00,000 रुपये का प्रोजेक्ट अगर बन रहा है तो 30,000 रुपये उसमें मजदूरों का मान लीजिए। यदि श्रमिक अपने कार्य के प्रति अकुशल, अज्ञान या लापरवाह होते हैं, या कार्य अधूरा छोड़कर भाग जाते हैं, तो परियोजना की कीमत समय के साथ साथ बढ़ने लगती है। ठीक है, अगर श्रमिक लापरवाह है, एक्टिव श्रमिक नहीं है, अज्ञान है, कुशल नहीं है, कुशल कारीगर नहीं है, धीरे धीरे आपका काम करते हैं, तो आपके परियोजना का लागत अपने आप बढ़ने लगेगा। और पांचवा पॉइंट आता है ऊपरी खर्च, ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस निर्माण कार्य की प्रगति बनाए रखने के लिए निर्माण के समय कुछ ऐसे भी व्यय भी आ जाते हैं जिनका प्राकलन में कोई प्रावधान नहीं होता है। निर्माण स्थल पर दुर्घटना हो जाना, बाढ़ आ जाना, आग लग जाना, श्रमिकों का हड़ताल पर चले जाना, इत्यादि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन्हें हैंडल करने के लिए परियोजना पर अतिरिक्त भार डाला जाता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है मैनेजमेंट, हिंदी में बोलते हैं प्रबंधन। मैनेजमेंट ही कोई भी वर्क हो, चाहे आपका कॉस्टिंग का हो, एस्टिमेटिंग का हो, सर्वेइंग का हो, या मार्केटिंग का ना, कोई भी चीज़ हो, कोई भी कंपनी आपको चलानी, एक मैनेजमेंट ही आपका क्या होता है, पूरा सिरोधार्य होता है। निर्माण काल में निर्माण सामग्री, श्रमिक, उपकरणों तथा समय का मितव्ययी
और उत्तम ढंग से संयोजन करने पर निर्माण व्यय पर प्रभावकारी नियंत्रण बना रह सकता है। इसके लिए निर्माण स्थल पर एक कुशल व अनुभवी प्रबंधक का होना आवश्यक है। प्रबंध में ढील आ जाने पर निर्माण सामग्री का बेदर्दी से प्रयोग होने लगता है। श्रमिक निर्देशन के अभाव में निठल्ले बैठे रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परियोजना की लागत बढ़ जाती है। देखिए, मैनेजमेंट जो होता है ये पूरे प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू अपने पास रखता है, यानी सबको एक दूसरे से बांधे रखता है। ये देखिए प्रबंधन का काम क्या होता है, कितने आज लेबर लगे, कितने स्किल्ड लेबर लगे, कितने अनस्किल्ड लेबर लगे या लेबर वर्क कर रहे हैं, कितने सुपरवाइजर हैं, कितने आपके क्या कहते हैं, हाँ कितना मटेरियल आपका आज यूज हुआ और कितना मटेरियल अभी रिक्वायर्ड है। ठीक है, कितने लेबर आपका बैठे हुए हैं या कितने लेबर अपना अच्छे से काम कर रहे हैं और कौन लेबर आपका आनाकानी कर रहा है या फिर छोड़ के काम को भाग रहा है, कितने लेबर्स को पैसा देना है, कितने लेबर्स को अभी बाकी है, ये पूरा मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट वर्क हमारा जो समय के हिसाब से सही चल रहा है नहीं चल रहा है, उसी हिसाब से इनको गाइड करना कि नहीं हमें इतने दिन में हमारा काम प्रोजेक्ट होना चाहिए था आज तक नहीं हुआ, उन पर दबाव बनाना। ठीक है, मटेरियल आज कितना यूज हुआ, अगले एक हफ्ते में कितना हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा उतने के लिए है कि नहीं है, ठीक उसी हिसाब से मटेरियल का ऑर्डर देना, पैसा कम होने पर अपने ऊपर से पैसा मंगाना, पूरा काम मैनेजमेंट का होता है। अगर एक मैनेजमेंट आपका ढीला पड़ जाता है तो समझ लीजिए आपका पूरा प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग आपकी बिगड़ जाएगी और हो सकता है आपका प्रोजेक्ट या वर्क कंस्ट्रक्शन वर्क भी सही ना हो। तो कोई भी फील्ड हो, कंस्ट्रक्शन का फील्ड हो, मैकेनिकल का फील्ड हो, इलेक्ट्रिकल का फील्ड हो, वहाँ सभी जगह मैनेजमेंट होना बहुत ही एक जरूरी है। ये आप मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा एक कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप करके सब्जेक्ट है जो शैलेश सर अभी पढ़ाएंगे, उसमें भी अच्छे से आपको समझाया जाएगा। इसमें अब बताते हैं एस्टीमेट बनाने के लिए कौन कौन से डाटा की आवश्यकता होती है। डाटा रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एन एस्टीमेट, डाटा रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एन एस्टीमेट। देखिए पहला होता है आपको क्या डाटा चाहिए, पहले चाहिए आपको डिटेल ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग चाहिए जिसमें आपका प्लान बना होना चाहिए, सेक्शन प्लान बना होना चाहिए, सेक्शन प्लान की जरूरत होती है थिकनेस विकनेस पता करने के लिए, और एलिवेशन पता होना चाहिए, एलिवेशन शो किया हो डिटेल वाले में। हमने देखिए जब सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़े होंगे सिविल ड्राइंग या बिल्डिंग ड्राइंग, तो उसमें हम प्लान भी बनवाते हैं, सेक्शन भी प्लान देते थे और एलिवेशन भी बनवाते थे, तो वो वाला आपका ड्राइंग शीट पूरा होना दो तीनों रहेगा, फाउंडेशन का आप तो आ जाएगा एलिवेशन में ही अरे सेक्शन में, तो आपका ये डिटेल ड्राइंग कहला जाएगा जिसमें पूरा मिले, सिर्फ प्लान प्लान का नहीं, जिसमें आपका सेक्शन भी कटा हो एलिवेशन भी दिखाया हो, उसे तीनों ड्राइंग को मिला करके क्या बोलते हैं डिटेल ड्राइंग। ये डेटा आपको चाहिए। सेकेंड नंबर में आपको रिक्वायर्ड चाहिए स्पेसिफिकेशन, मतलब विशिष्टियां, अब विशिष्टियों में देखिए जैसे किसी भी परियोजना के निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न भागों में प्रयोग होने वाले विभिन्न सामग्रियां, कार्य की प्रगति, गुण तथा वर्ग का स्पेसिफिकेशन में वर्णन होता है। मतलब जनरल स्पेसिफिकेशन से पूरी संरचना या भवन की रूपरेखा बनाने में सहायता मिलती है, और डिटेल में क्या होता है जैसे हमें कौन से क्वालिटी का हमें यूज करना है, मटेरियल यूज करना है, किस रेशियो में यूज करना है,
जैसे आरसीसी का लिंटल बीम कॉलम बनाना है तो उनका क्या क्या रेशियो होना चाहिए, 1:4 रेशियो में है कि 1:3 रेशियो में बना है, मोर्टार जो यूज़ हो रहा है वो कौन से रेशियो में यूज होगा, है ना। तो ये सब चीज़ों का जो होता है उसे डिटेल स्पेसिफिकेशन, ये सब स्पेसिफिकेशन में आता है। स्पेसिफिकेशन दो टाइप का होता है, एक जनरल और एक होता है डिटेल। जनरल में आपका जैसा है कि एक लाइन डायग्राम बनाने के लिए मटेरियल की क्वालिटी है ना, इन सबको देखा जाता है, और जबकि इसमें इस डिटेल वाले में देखा जाता है कि जो मटेरियल यूज हो रहा है वो किस रेशियो में यूज हो रहा है, जो छड़ यूज हो रहा है वो कौन सी क्वालिटी का छड़ है, कितने डायमीटर का है, कहाँ कितने डायमीटर का कहाँ पे यूज होना चाहिए, कौन से बीम में कितना कंक्रीट का कितना रेशियो रखना है, प्लास्टर वर्क में कितना रेशियो रखना है, ये सब आपका डिटेल बेस स्पेसिफिकेशन से बात हो जाएगी मिलेगा। थर्ड नंबर में रिक्वायर्ड होता है दर यानी रेट। तो इससे हमारा रेट सब सबका मालूम रहेगा तो हम उससे कॉस्टिंग कर सकते हैं। अब रेट देखिए, रेट इस्टीमेट तैयार करते समय किसी मद की लागत ज्ञात करने के लिए इसके परिमाण यानी क्वांटिटी को इकाई दर से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। यदि इकाई दर सदा सम यह इकाई दर सदा समान नहीं रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है, तो किसी भी मद की दर निम्न अनुसार निकाली जाती है। अब हम लोग दर कहाँ से निकालेंगे, दर निकालने के लिए देखिए बढ़िया बताया, शेड्यूल ऑफ रेट, दरों की अनुसूची रहती है, SCHEDULE, शेड्यूल ऑफ रेट, आपका हर सितंबर माह में हर साल निकल के आता है। फिर होता है बाई मार्केट रेट, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, शेड्यूल ऑफ रेट आपका सरकारी विभाग से निकल जाएगा, बाई मार्केट रेट, मार्केट में क्या रेट चल रहा है। उसके बाद आता है स्टार रेट, बाई स्टार रेट, स्टार रेट देखिए क्या होता है, विभागीय अनुसूची से विभिन्न दरें जो कार्य आरंभ से पूर्व दोनों विभाग विभाग का ठेकेदार द्वारा आपसी सहमति से स्वीकार कर लेते हैं उसे स्टार रेट कहते हैं। जैसे भैया देखिए आपका इस्टीमेट बन गया और शेड्यूल ऑफ रेट से बन गया, अब आपका काम जो स्टार्ट होना है वो 6 महीने बाद या 7 महीने बाद या 1 साल बाद स्टार्ट हो रहा है, तो अब उस समय कुछ ना कुछ सभी के रेट्स कुछ ना कुछ चेंज हो जाते हैं। तो जब रेट चेंज हो जाते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टर जिसे काम टेंडर मिला होता है तो वो अपना क्या करता है, आपत्ति जताता है कि भाई जिस रेट पर आप लोगों ने हमें ये मटेरियल बता बनाया टेंडर बना के दिया हमको, अब ये रेट मार्केट में ऐसा नहीं है, अब ये बढ़ गया रेट, तो जिसके अनुसार हमें हमें नुकसान होगा। तो विभाग और कॉन्ट्रैक्टर दोनों की मर्जी से क्या कहता है, एक स्टार रेट का प्रकलन किया जाता है, तो ये स्टार रेट आता है आपका। फिर एक नेक्स्ट आता है बाय प्रोपोर्शनल रेट, बाई प्रोपोर्शनल रेट, या यदि किसी विशेष मद की दर जो अनुसूची में उपलब्ध न हो ऐसी स्थिति में उस मद से मिलती जुलती दरों का औसतन ज्ञात करके उस मद की दर तय की जाती है। कुछ ऐसे वर्क हो जाते हैं जिनका हमें शेड्यूल ऑफ रेट या मार्केट रेट में ये सब क्या होता है उसका दर अलग से नहीं दिया जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं उसी से मिलता जुलता वर्क का उसी वर्क से रेट का हिसाब किताब कर लेते हैं। जैसे आपका हुआ पेंटिंग का हो गया, पेंटिंग और पुट्टी, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे पुट्टी का रेट हमें मालूम है, पुट्टी का 2 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर है, तो पेंटिंग का नहीं दे रखा है, तो देखो पुट्टी के बाद ही पेंटिंग होती है, पेंटिंग का भी लगभग होगा, तो उसी के आसपास क्या करते हैं 2 रुपये है तो इसको 1.5 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर में डाल देते हैं। तो ये हमारा जो आता है बाई प्रोपोर्शनल रेट यानी किसी से तुलना करके रखना। और ये कहता है बाय एनालिसिस ऑफ रेट, बाय एनालिसिस ऑफ रेट, रेट की एनालिसिस करके, तो निर्माण कार्य से संबंधित विभिन्न मदों की दर निर्धारित कराने के लिए दर विश्लेषण किया जाता है, यानी रेट का क्या है, रेट निकालने के लिए बाकी कैलकुलेशन किए जाते हैं जो व्यावहारिक व न्याय संगत होते हैं।
तो देखिए हम लोग इस रेट को तैयार करने के लिए क्या क्या ध्यान देते हैं। दर विश्लेषण यहाँ पर लिखेंगे, दर विश्लेषण करते समय निम्न निम्न बिंदुओं को कंसीडर करते हैं या ध्यान में रखते हैं। निम्न बिंदुओं को कंसीडर करते हैं या उनको ध्यान में रखते हैं। पहला है मटेरियल, दूसरा है उसका क्वालिटी, कौन सा मटेरियल होना चाहिए और उसका कैसा क्वालिटी होना चाहिए। तीसरा है आपका क्वांटिटी, कितना लेना है। फिर उसके बाद कार्टेज, कार्टेज का मतलब ढुलाई, ठीक है। पांचवा बोलते हैं यंत्र या मशीन का किराया, यंत्र या मशीन का किराया। फिर उसके बाद श्रमिकों का दर, यानी श्रमिकों का क्या रेट चल रहा है। उसके बाद सातवां नंबर फुटकर व्यय, कुछ खर्च जो जिनका कुछ मतलब वो डिटेल नहीं होता है, आपका फुटकर खर्च होते हैं। आठवां नंबर ऊपरी खर्च, फिर है नौवां नंबर ठेकेदार का लाभांश, ठेकेदार का लाभांश होता है पूरे प्रोजेक्ट का 10% होता है। और दसवां नंबर है मैनेजमेंट, प्रबंधन। यहाँ से हमारे पास रेट लिस्ट, रेट का रेट तय किया जाता है कि मटेरियल हमारा कैसा यूज रहा है, उसका क्वालिटी कैसा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसको लाने में ट्रांसपोर्टेशन कार्टेज खर्च कितना लग रहा है, मशीन जो यूज हो रही है मशीन का किराया कितना लग रहा है, श्रमिक किस रेट पर हैं, फुटकर वेयर यानी आपका जैसे कुछ टूल्स हो गए छोटे मोटे या फिर नाश्ता पानी जो खर्च हो गया, उसके ऊपरी खर्च वाटर का पानी का बिजली का ये सब जो खर्च होते हैं इसे ऊपरी खर्च बोलते हैं। ठेकेदार का लाभांश, कितना परसेंट आपको ठेकेदार को बचना चाहिए। फिर मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, ये मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या सब व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, ये आपका खर्च जो आएगा ये आएगा। अब आता है प्राक्कलन के प्रकार। देखिए प्राक्कलन कई प्रकार के होते हैं, आपका इनका नाम दे दिया गया है। पहला होता, दो प्रकार में बांटा गया इसको, पहला है प्रीलिमिनरी एस्टीमेट, इसे बोलते हैं प्रारंभिक, प्रारंभिक आकलन या रफ एस्टीमेट, यानी आपका एक खाका होता है मोटी मोटा हिसाब किताब बनाना। और एक होता है डिटेल्ड, डिटेल्ड एस्टीमेट, ठीक। प्रारंभिक वाले में क्या होता है, किसी परियोजना के प्रारंभिक विषयों का अध्ययन करने करने के लिए बनाया जाता है। इस प्रकार के आकलन के अंतर्गत किसी परियोजना को लागू करने से पूर्व आए विचार एवं उसकी नीति निर्धारण करने के लिए अनुमानतः परियोजना पर आने वाले खर्च का या खर्च पर विचार किया जाता है, ठीक है, ताकि आने वाले खर्च का वहन एवं उपलब्धता के बारे में एक सामान्य राय कायम की जा सके। साथ ही परियोजना में होने वाले, परियोजना से होने वाले फायदे एवं नुकसान का भी आका जा सके, ठीक है। इस पर इतना खर्च करना व्यवहारिक एवं उपयोगी होगा या नहीं, तो ये आपका एक रफ एक एस्टीमेट बनाया जाता है, जिससे बस ये पता मोटी मोटा हिसाब किताब लगा दिया जाता है कितने का प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। इसमें अनुमानित
मोटी तौर पर अनुमानित लगाया जाता है, तथा इस प्रकार के एस्टीमेट से ही प्रशासनिक व अन्य औपचारिक स्वीकृति ली जाती है। तो जो हमारा प्रिलिमिनरी एस्टीमेट होते हैं वो उसमें कई प्रकार होते हैं। जो प्रिलिमिनरी स्टेट है, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट है यानी प्रारंभिक एस्टीमेट है, इससे निकालने इसके निम्न प्रकार होते हैं। पहला है इकाई या पट्टी दर प्राकलन, बी है प्लिंथ एरिया प्राकलन, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, इसी को बोलते हैं कुर्सी क्षेत्रफल प्राकलन, कुर्सी क्षेत्रफल प्राकलन। फिर आता है सी नंबर में घनीय दर प्राकलन, घनीय दर प्राकलन। फिर डी है अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, अप्रॉक्सीमेट मेथड, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी। और ई है सामग्री व श्रमिकों के आधार पर प्राकलन। इसमें मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यही प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। ठीक है, नाम सबका जानते रहिए, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट ही क्या होता है, इसी से क्वेश्चन हमारे उठते हैं। कुर्सी प्रिंथ एरिया एस्टीमेट से हमने क्वेश्चन भी कराया है पॉलिटेक्निक वाला, और एक क्वेश्चन और एक मिला है आपका 2000 स्क्वायर मीटर के लिए, दोनों नेक्स्ट अलग अलग वीडियो में दोनों क्वेश्चन हैं। ये प्रिंथ वो प्रिंथ एरिया पे है, प्रिंथ एरिया मेथड पे, प्रिंथ एरिया एस्टीमेट के द्वारा ये एक क्वेश्चन इसमें हर साल आता है लगभग, कभी कभी एक साल छोड़ता है अल्टरनेट पर, नहीं तो लगभग हमेशा ही आता है। तो प्रिंथ एरिया एस्टीमेट पर क्वेश्चन करिएगा। तो इतना हमारा आपका सेकेंड चैप्टर की थियोरी हो गई, इसमें से इतना पढ़िए, नोट्स बनाइए, बाकी और थ्योरी का जब पूछना है थ्योरी पढ़ा जाएगा और क्वेश्चन भी कराया जाएगा। ठीक है, ओके।